हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एम्स ऋषिकेश नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर है, ये पेपर हुआ था 2019 को और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है ये। इस पेपर में कोई भी मिस्टेक आपको मिल सकती है, मिले तो आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के दो पार्ट बनेंगे। पार्ट वन के अंदर अपन 50% क्वेश्चन को बात करेंगे और पार्ट टू के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करेंगे। तो पेपर को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक के अंदर पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पहला है निडिल होल्डर का, सेकेंड है ये फोलिस कैथेटर, थर्ड पे है ग्लूकोमीटर, फोर्थ है प्रोक्टोस्कोप। क्योंकि ऋषिकेश एम्स और दिल्ली एम्स के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस बनाए रखें। यह है नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, ये क्वेश्चन है एम्स ऋषिकेश में दो बार रिपीट हो चुका है, दिल्ली एम्स में भी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेजोफेरेंजियल एयरवे, रेडियल आर्टरी लाइन एम्स दिल्ली में भी रिपीट हो चुका है, एम्स ऋषिकेश में भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट है ये भी। सिम्स स्पेकुलम एम्स दिल्ली में भी आ चुका है ये भी। डीवीटी पंप एम्स ऋषिकेश में दो बार पेपर हुआ, दोनों के अंदर ये रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट है ये भी। थोरासेंटेसिस प्रोसीजर, मैंने क्या है कि एम्स दिल्ली एम्स ऋषिकेश जो भी रिक्रूटमेंट जो करवाते हैं और वो पेपर प्रोवाइड नहीं करवाते तो उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी हो जाती है पेपर के जो क्वेश्चन है उनके रिपीट होने की, इसीलिए वो क्या है कि इतने क्वेश्चन कहाँ से लेके आए तो उनमें से कोई कुछ क्वेश्चन है उनको रिपीट कर देते हैं। राइल्स ट्यूब का है डायग्राम। नेक्स्ट है लेरेंजियल मास्क एयरवे, नेक्स्ट है सक्शन कैथेटर, सीवीपी मैनोमीटर, फोकस रखना इमेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा, कस्को रिट्रैक्टर, लैरिंगोस्कोप, लंबर पंक्चर प्रोसीजर, आर्टरी फोर्सेप। तो वो अपन ने देखे थे कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। अब अपन देखते हैं जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोलॉन्ग नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग मे कोज, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा, इस पार्ट के अंदर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, विच पोजीशन इज गिवन टू ए चाइल्ड आफ्टर लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के बाद में के बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है। ए सुपाइन विद पिलो, बी सुपाइन विदाउट पिलो, सी साइड लाइन पोजीशन एंड डी प्रोन पोजीशन। तो लंबर पंक्चर के बाद में अपने को देनी है सुपाइन विदाउट पिलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कलर ऑफ यूरिन इन ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड का इसके अंदर पूछा है। और वैसे जो नॉर्मल जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.002 से 1.030 तक इसकी नॉर्मल होती है, तो अभी इसका पता नहीं ऑप्शन में क्या क्या थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डेंगू फीवर कॉज्ड बाय विच मॉस्किटो, राइट आंसर इज ए एडिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आइडियल डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो आईएम इंजेक्शन की अगर आइडियल डोज की बात करें, अगर ये पूछ रहा है तो इसमें आएगा 5 ml। अगर यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कर देता, ईच डोज अगर पूछ लेता तो उसके अंदर मैक्सिमम हो जाती 3 ml, 3 ml मैक्सिमम ईच बटक्स के ऊपर अपन लगा सकते हैं, और मैक्सिमम डोज होती है वो 5 से 6 ml तक अपन लगा सकते हैं, क्योंकि एम्स जो दिल्ली ने सफदरजंग का क्वेश्चन वो पेपर कंडक्ट करवाया था उसके अंदर ईच करके क्वेश्चन पुट आउट कर लिया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एस्प्रिन शुड बी गिवन
विद विच फ्लूड, तो एस्पिरिन है वो मिल्क के साथ में दी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंस्टिलेशन ऑफ आई ड्रॉप, तो आई ड्रॉप अपन जब इंस्टिल करते हैं तो उसको क्या करते हैं, पेशेंट को लुक अपवर्ड और जो लोअर जो लिड है उसको अपन क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके अंदर ड्रॉप है वो अपन डालते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर एक्टिविटी चेंज्ड इन एंजाइटी, ऑप्शन ए है इसके अंदर एक्टिविटी इंक्रीज, बी है एक्टिविटी डिक्रीज, सी है इंक्रीज इमोशन लाइबिलिटी एंड डी है डिक्रीज इमोशन लाइबिलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी, इंक्रीज इमोशन लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, कैटरेक्ट सर्जरी इज डन विद विच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, तो कैटरेक्ट सर्जरी है वो किस प्रकार के एनेस्थीसिया से अपन करते हैं, तो एक माइनर प्रोसीजर होता है और इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ डाइट इज प्रीफर्ड टू ए पेशेंट विद डंपिंग सिंड्रोम, तो डंपिंग सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसको किस प्रकार की डाइट है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो ये है हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट है वो डंपिंग सिंड्रोम के पेशेंट को देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी वर्किंग व्हेन गिवन हिपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबिन टू ए वूमेन फॉर प्रिवेंशन ऑफ हिपेटाइटिस बी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, बेस्ट साइट फॉर नाइट्रोग्लिसरीन पैचेज एब्जॉर्प्शन, तो पैचेज एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो आएगा नॉन हेयरी एरिया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन का जो रूट होता है वो होता है इंट्राडर्मल स्क्रैच जो कि एक मार्क बन जाता है, तो वो मार्क है वो बीसीजी वैक्सीन का जो इंजेक्शन साइट होती है वहाँ पर बनता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इंजेक्शन, तो डीपीटी वैक्सीन इंजेक्शन का रूट कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन है वो डीपीटी वैक्सीन का रूट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपीटी फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंट्राडर्मल। नेक्स्ट इज इंजेक्शन ऑंडनस्टेरोन इज गिवन बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से पहले जो ऑंडनस्टेरोन है ये एंटी इमेटिक ड्रग्स होती है और ये बिफोर 30 मिनट्स पहले कीमोथेरेपी से इन पेशेंट को लगाया जाता है जिससे कि उसको नोजिया एंड वोमिटिंग जो है वो सबसाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, 2 ग्राम सिप्रोफ्लोक्सासिन प्रिस्क्राइब टू ए पेशेंट इन 4 डोज, कैलकुलेट सिंगल डोज, तो ऑप्शन में दे रखा है कि जैसे कि एमजी के अंदर और यहाँ पर जो अपने पास ड्रग्स है वो है ग्राम के अंदर, तो सबसे पहले जैसे कि इसको अपन ने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 2000 ग्राम, और अब इसके अंदर 4 डोज के अंदर कन्वर्ट करना है तो 4 का इसको डिवाइड कर दो तो 4 × 4 4 × 5 = 20, तो 500 आ गए, तो अपने पास आ गया 500 mg, तो राइट आंसर अपन देख लेंगे ऑप्शन ए है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, 0.75 ग्राम सिफिक्सिम प्रिस्क्राइब टू ए पेशेंट अवेलेबल टैबलेट डोज इज 250 mg, हाउ मैनी टैबलेट द नर्स गिव टू द पेशेंट, तो नर्स है वो कितनी टैबलेट उस पेशेंट को देगी, तो यहाँ पर भी जैसे कि इसमें दिया हुआ है ग्राम के अंदर और यहाँ पर है मिलीग्राम के अंदर, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट कर किया तो अपने पास आ गया यहाँ पर mg 750 और टैबलेट जो अवेलेबल है वो है अपने पास
250 mg की, और कितनी टैबलेट है वो है एक। तो अब अपन इसको काट लेते हैं, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो ये आ गया अपने पास 3 टैबलेट। तो ऑप्शन है इसके अंदर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल। तो डिजायर है इसके अंदर 0.75 और अवेलेबल है इसके अंदर 250, और 250 है कितनी क्वांटिटी इसकी, किसकी कितनी है एक। तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए उनको ऐसे ही करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिजिशियन ऑर्डर IV इंसुलिन 3 यूनिट पर आवर। ये फिजिशियन ने ऑर्डर किया है 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से। सॉल्यूशन कंटेंट है अपने पास 50 यूनिट, और उसके जो 50 यूनिट है वो है 100 ml के अंदर। हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन्फ्यूज्ड पर हावर। तो एक 1 आवर के अंदर अपने को कितना ml है जो फ्लूड है वो पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है, जिससे कि 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से पेशेंट को जो इंसुलिन है वो चली जाए। तो इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करना है अपने को, जैसे कि डिजायर डोज। तो डिजायर तो जो डॉक्टर ने जो वो किया है वो है, हो गया 3, और अवेलेबल है अपने पास 50, और 50 जो यूनिट है वो क्वांटिटी कितनी हो गई इसकी, 100 इसकी ml इसकी क्वांटिटी हो गई। तो अब अपने को इसको काट लेना है 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो ये आ गया अपने पास 6 ml इसका राइट आंसर। तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर 6 ml है वो पर हावर के हिसाब से अपने को इन्फ्यूज करना है। नेक्स्ट आता है इसमें, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन ए चाइल्ड। तो लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा मेनिंजाइटिस का, इस क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। इसका भी राइट आंसर मैं पार्ट 2 के अंदर आपको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल pH रेंज ऑफ ब्लड। तो ब्लड का नॉर्मल pH होता है 7.35 से 7.45। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, ए पेशेंट विद रीनल फेल्यूर हैज सीरम पोटेशियम लेवल 6.5 mEq/L। द नर्स नो डैट विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इन रीनल फेल्यूर। तो सबसे पहले अपने को नोटिस करना है सीरम पोटेशियम लेवल है उसकी, जो रेंज जो वॉल्यूम दी हुई है वो है 6.5 mEq/L। तो इसकी अपन अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 3.5 से 5.1 mEq/L इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 6.5, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर जो डिजीज कंडीशन आती है वो निकल के आती है हाइपरकैलेमिया, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हाइपरकैलेमिया के अंदर अपन जो मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें देते हैं अपन इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। और अगर ECG के अंदर अपन चेंजेस देखेंगे तो इसके अंदर आएगा टाल पीक टी वेव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, नॉर्मल पल्स रेट रेंज इन एडल्ट मेल। तो एडल्ट मेल के अंदर नॉर्मल पल्स रेट होता है वो होता है, एक रेंज के अंदर अगर इसमें पूछा है तो 60 to 100 पल्स पर मिनट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, राइट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप टू चेक एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स चेक करने के लिए जो राइट प्लेसमेंट होगा वो कौन सी जगह होगा, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 4th to 5th रिब्स एट मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर एपिकल पल्स अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजोक्सिन शुड बी स्टॉप इन ए चाइल्ड इफ द हार्ट रेट इज बिलो। तब क्वेश्चन के अंदर पूछा है चाइल्ड का, तो चाइल्ड के अंदर आएगा ऑप्शन बी 80। अगर इसमें अडल्ट पूछता तो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता, बट इसमें चाइल्ड पूछा है, अगर इन्फेंट आता तो वहाँ पर हो जाता है 90। ये सभी आपको जो रेंज है वो मिल जाएंगी एनक्लेक्स के अंदर, सोंडर्स या मोसबी किसी में भी देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, इन विच फूड विटामिन सी इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट। तो विटामिन सी है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है इसके अंदर फ्रेश ऑरेंज जूस, इसके अंदर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर इन एन एडल्ट। तो आईओपी इसमें पूछा है, तो नॉर्मल है वो 12 से 20 एमएम ऑफ एचजी, तो ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, ए चाइल्ड रिकवर फ्रॉम मेनिंजाइटिस, द नर्स नो डैट विच कॉम्प्लिकेशन मे सीन इन दिस चाइल्ड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर के अंदर जो मेनिंजाइटिस का रिकवर होने के बाद में फ्यूचर के अंदर बच्चे के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, तो राइट आंसर है मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, द नर्स गिविंग होम केयर इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट अबाउट द क्लीनिंग ऑफ कोलोस्टोमी साइड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द नर्स शुड एडवाइज टू क्लाइंट। तो क्लाइंट को नर्स है वो क्या एडवाइज करेगी, तो उसको क्लीन करने के लिए सोप एंड वाटर से उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, पोजीशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड इन राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन इज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी, बिलो अम्ब्लाइकस राइट साइड ऑफ द एब्डोमन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, ए पेशेंट विद ल्यूकेमिया न्यू WBC काउंट 3000, विच प्रिकॉशन इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन। तो फ्रेंड्स इस पार्ट के अंदर इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है वो मे बी इवनिंग या फिर मॉर्निंग के अंदर कल आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके प्रेस कर लो, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ पर ऐड हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो डालते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे नर्सेज अब यूट्यूब चैनल के साथ। सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।